Hello dear students, hope you have already watched the first lecture of matrices and determinant. Before starting the second lecture, I want to tell you something. First thing, आप में से किसी को लग रहा होगा कि स्पीड कम है या ज़्यादा है, है ना? तो देर इज ऑलवेज अ पॉज बटन इन वट एवर वीडियो प्लेयर यू आर वॉचिंग द वीडियो. You can always pause it and write down the notes very carefully, okay? Second, you can also control the speed, okay? You can make it normal, or you can make it the playback speed, you can make it fast or slow according to your own pace, okay? Third thing is, there is no need for new copy, okay? It's hard to get new copies right now. So whatever copy or pages you have with yourself, just make use of it, okay? Clear? So let's get started. So before moving on to the lecture number 2, I want to take some follow-up questions, couple of follow-up questions from lecture 1. First one is, can any matrix have odd number of elements? Answer is yes, of course. As you know, number of elements in any matrix is equal to the number of rows it has multiplied by number of columns it has. Okay. If we select number of rows and number of columns, both has odd numbers, then odd multiplied by odd will give odd number, simple, है ना? जो सबसे ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग, जिस तरीके का मैट्रिक्स 3x3 का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे? ऑर्डर 3x3 लिया हमने, तो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 9. तो यस, ऑफ कोर्स एनी मैट्रिक्स कैन हैव ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 can be formed by using the elements of set as koi set diya hua hai jisme teen element hai 1 2 3. to in elements ka use karke 2x3 order ka kitna alag alag matrix bana sakte hain hum log? theek hai, abhi 2x3 ka matrix hai, to how many total elements will be there? Obviously 6. so effectively we have 6 places which are to be filled by these elements 1, 2 and 3. The question arises is, can we use any element more than once? एक से ज़्यादा बार यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं. मैट्रिक्स की डेफिनेशन में कहीं पे ये तो नहीं बोला गया कि सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए या सेम होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए. अगर हमने सारे एलिमेंट 1 1 रख लिए तो ये भी एक मैट्रिक्स है, है ना? सारे एलिमेंट 2 2 रख लिए तो ये भी एक मैट्रिक्स है. और अगर हमने सारा डिफरेंट ही रखा तो सारा डिफरेंट तो रख नहीं पाएंगे, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं और 6 प्लेसेस हैं. तो मान लो हमने ये एक मैट्रिक्स बनाया, ये भी है. अब ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये एक अलग मैट्रिक्स है, ये भी एक अलग मैट्रिक्स है. इस तरीके के कितने डिफरेंट और मैट्रिक्स बन जाएंगे? तो ये पीएनसी का क्वेश्चन बन गया. अभी 6 प्लेसेस है अपने पास में, और हर एक प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास? जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट के लिए वी हैव 3 पॉसिबिलिटी, और सबके लिए यही है. तो 3 × 3 × 3 ये कितनी बार हो जाएगा? 6 टाइम्स. द आंसर इज 3 to the power 6. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैट्रिसेस डिटरमिनेंट. सो फार वी हैव डिस्कस्ड about the definition of matrix, the basic types of matrix, and in operation of matrix we have studied equality of matrix, addition, subtraction and the multiplication of any matrix by a scalar. The fourth thing is multiplication of a matrix with another matrix, that is multiplication of two matrices. अभी एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है. जब किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं
तो उसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर तो ही मटेरियल है, जितने मर्जी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो एक नंबर से उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा। लेकिन ये वाली बात जो है, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। मतलब हर दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, उसके लिए कुछ कंडीशन है। अब वो क्या कंडीशन है वो देखो, कंडीशन ये है कि अगर मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स लिया हमने, उसका साइज रखा हमने लेट से एम क्रॉस एन, फिर मैंने कोई बी मैट्रिक्स सेलेक्ट किया और इसका साइज रखा या ऑर्डर रखा पी क्रॉस क्यू, अनलेस अदरवाइज ये एन और पी बराबर नहीं हो तब तक इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब जो पहला मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर में हम पहले रो बोलते हैं फिर बाद में क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, तो अगर मैंने ये बोला कि एन और पी आपस में इक्वल हैं तो ए और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विल ऑल्सो बी ए मैट्रिक्स, तो जो रिजल्ट होगा उसका साइज या ऑर्डर क्या होगा, तो उसका साइज या ऑर्डर हो ये हो जाएगा जो रिमेनिंग हमारे पास बचा है एम क्रॉस क्यू। अगर नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल से समझेंगे इस चीज़ को। देखो मान लो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 सपोज, क्या ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3। मेरे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है से 5 6, क्या ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 1। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो 2 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर देख लो 2 क्रॉस 1, क्या ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है? नहीं है, तो ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट नॉट पॉसिबल। गेट इट? ओके, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज मैंने ए मैट्रिक्स लिया कोई 2 3 4 5, क्या ऑर्डर रखा 2 क्रॉस 2, फिर मैंने कोई दूसरा मैट्रिक्स लिया लेट से 2 0 1 3 -1 2, क्या ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 3। मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो के क्या है इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब कि ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन अब क्या है पॉसिबल है। तो ये बात बड़े ध्यान से समझ लो, कोई भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट में, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये तो हमने समझा कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, फिर उसका जो रिजल्ट आता है, जैसे इस केस में, इस वाले एग्जांपल में मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी पॉसिबल है, तो ए इंटू बी का बॉर्डर क्या होगा, तो जो ए का नंबर ऑफ रो रह गया और बी का नंबर ऑफ कॉलम रह गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए सोचो और बताओ, क्या बी इंटू ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? सोचो, पॉज करके सोचो। आंसर इज नॉट पॉसिबल। रीजन बहुत एविडेंट है, बी का नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है, ए का नंबर ऑफ रो कितना है 2 है, बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और जब मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं तो फिर इसके ऑर्डर की तो बात ही नहीं करनी है, ठीक है। तो ये तो अभी तक हमने समझा कि कब मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस का पॉसिबल है। अब आगे देखते हैं कि एक्चुअली में मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे। मान लो कि दो मैट्रिसेस हमने इस तरीके से सेलेक्ट किए, मैंने ए मैट्रिक्स उठाया
जिसका ऑर्डर रखा मैंने 3 क्रॉस 3। बी मैट्रिक्स लिया है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। अभी ए इंटू बी पॉसिबल तो है, और ए इंटू बी का ऑर्डर क्या आने वाला है, वो 3 क्रॉस 2 आने वाला है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक 3 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, ऐसा कुछ होगा ये। तो अभी देखते हैं ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे बेसिकली। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज डन रो बाय कॉलम। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको समझो बड़े ध्यान से। हमेशा मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होगा। रो बाय कॉलम बोलने का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स मैं उसको बोल रहा हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। ए बी में जो लेफ्ट में लिखा है ए, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, जो राइट में लिखा है वो सेकेंड है। तो फर्स्ट का नंबर ऑफ रो सेलेक्ट करना है और सेकेंड का नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करना है। ये रो बाय कॉलम का मतलब ये है। अब ये सेलेक्ट करने का क्या मतलब है, देखो एक बार। तो ए इंटू बी का ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है। अब 3 क्रॉस 2 में पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट कैसे मिलेगा, अब इसको मैं क्या बोलूँगा, ए बी 1 1, इसका मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कैसे लिखेंगे हम लोग, इसके लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। रो बाई कॉलम का मतलब ये है, पहले का रो दूसरे का कॉलम, ठीक है। अब ये हमने सेलेक्ट किया, अब ये इनको आपस में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड कर लेना है। 2 into 1 is 2 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 4 3 into 4 ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। ये हो गया 2 2 और 12, ये कितना हो गया 16। समझ आया, देखो आगे। सेकंड ये वाला जो है फर्स्ट रो का और सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, ये वाला 1 2 का मतलब मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, ये जो पहला है ये रो डिपिक्ट करता है और दूसरा वाला कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट हमेशा रो किसका होगा, रो किसका सेलेक्ट करना है, पहले मैट्रिक्स का। तो इसका इसका तो फर्स्ट रो ही लेना है और बी का अब सेकेंड कॉलम उठाना है, ठीक है। अब इनको आपस में करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लो, 2 into -2 प्लस 1 into 1 प्लस 3 into -3, आंसर ये हो गया -4, -9 हो गया -13 और प्लस 1 -12। ये देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे सेकेंड रो उठाना है, तो सेकेंड रो हमेशा रो कहाँ से लेना है, पहले मैट्रिक्स से। कॉलम कहाँ से लेना है, दूसरे मैट्रिक्स से। ठीक है, अभी देखो। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट ये मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 0 into 1, सबको प्लस करते जाना है, मल्टीप्लाई साइन के साथ होगा, -1 into 2 और प्लस 2 into 4, ये हो गया 0 - 2 प्लस 8 is 6, ठीक है। अभी देख लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट। अब रो तो पहले मैट्रिक्स का ही आएगा,
लेकिन कॉलम जो हमें सेकंड लेना है वो दूसरे मैट्रिक्स का लेना है, ठीक है। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 0 × -2 प्लस -1 × 1 प्लस 2 × -3, आंसर विल बी -6 - 1 -7, ठीक है। अभी देखते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये वाला एलिमेंट। तो ऑब्वियसली रो कहाँ से उठाना है, पहले से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, पहले मैट्रिक्स का रो लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो तीसरा रो उठा लिए, पहला कॉलम उठा लिए। चलो कर लेते मल्टीप्लाई, -1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 4 × 4, आंसर इज 15। लास्ट हो गया थर्ड रो सेकेंड कॉलम वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है भैया। इसके लिए अपने को लेना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम उठा लो, कर लो मल्टीप्लाई, -1 × -2 प्लस 0 × 1 प्लस 4 × -3, ये हो गया 2 और -12 - 10। तो आंसर A × B मैट्रिक्स, A का ऑर्डर 3x3 था, B का ऑर्डर 3x2 था, तो A × B का ऑर्डर हो गया 3x2, तीन रो और दो कॉलम, ठीक है। क्या आंसर आया था, पहला था हमारा 16, फर्स्ट और सेकंड कॉलम था -12, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था 6, सेकंड रो सेकंड कॉलम था -7, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था 15 और आखिरी वाला -10। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई 2 0 0 3 × 4 5, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, सेकेंड का ऑर्डर है 2x1। पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो रिजल्ट कैसा आएगा, 2x1 का आएगा। 2x1 मतलब दो रो एक कॉलम, मतलब सिंगल कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर आपको याद हो बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सेकेंड मैट्रिक्स हमने यही पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम होगा, ठीक है। अब पहला रो पहले कॉलम का एलिमेंट, तो पहला रो और पहला कॉलम ले लिया हमने, मल्टीप्लाई कर ले, 2 × 4 प्लस 0 × 5। फिर दूसरा रो पहले कॉलम का एलिमेंट, तो हमने ये दूसरा रो लिया और पहला कॉलम, मल्टीप्लाई कर लो, 0 × 4 प्लस 3 × 5। क्या आंसर है फाइनल, फाइनल आंसर इज 8,15। आई होप समझ आ रहा है आपको। चलो तीसरा एग्जांपल देखते हैं। ए मैट्रिक्स लिया हमने, क्या ऑर्डर है, 2x2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2x2, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2x2। पहले बताओ क्या ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन A × B पॉसिबल है, बिल्कुल। क्या A × C पॉसिबल है, बिल्कुल, है ना, देख लो, ठीक है भैया। अब A × B करना है मुझे, तो ए और बी पे फोकस करो। चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, 1 1 2 2 -1 1 1 -1, ठीक है भाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिया हमने, तो आंसर आ गया -1 + 1 0, ठीक है। अब हमने लिया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका भी आंसर आ गया 1 × 1 और 1 × -1, तो 1 - 1 0, ठीक है। अब लेते हैं दूसरा रो पहला कॉलम, 2 × -1 प्लस 2 × 1, ये भी 0 आ गया। और आखिरी वाला
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से देख लो, के भी कितना आ गया, जीरो आ गया, ऑर्डर 2+2। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? आंसर इज यस। क्या ये जीरो मैट्रिक्स है? आंसर इज यस। क्या ये इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं? आंसर इज यस। अब ए इंटू सी तुम खुद करो, क्या चलो करते हैं। 1 1 2 2, सी हो गया 3 -2 -3 +2। चलो अब मैं हाईलाइट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली करते हैं। पहला रो पहला कॉलम लिया, 3 -3 हो गया 0, ठीक है। पहला रो दूसरा कॉलम लिया, -2 +2, ये भी हो गया 0। अब हमने दूसरा रो पहला कॉलम उठाया, 3 × 6 और ये हो गया -6, इसका आंसर भी आ गया 0। और आखिरी में दूसरा रो दूसरा कॉलम उठाया, -4 + 4, ये भी कितना हो गया 0, 2 × 2, ये भी एक जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। और एग्जांपल देखो, 1 2 3 मान लो, एक रो मैट्रिक्स उठाया हमने 1 × 3 का, फिर मैंने इधर ले लिया कोई PQR 3 × 1 का एक कॉलम मैट्रिक्स, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? आंसर इज यस, क्योंकि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। ओके गुड, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ मैट्रिक्स 1 × 1? 1 × 1 का मतलब सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट आएगा। तो वो एलिमेंट कैसे मिलेगा भैया? पहले का रो दूसरे का कॉलम, बस एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, कर लो मल्टीप्लाई, P+2Q+3R। गुड, ओके लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल। एक मैट्रिक्स है अपने पास, मान लिया कोई XYZW, दूसरा मैट्रिक्स है 1001। अगर तुम्हें याद हो तो ये कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 2 × 2 के एक कोई जनरल मैट्रिक्स है, दूसरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो। चलो पहला रो पहला कॉलम क्या हो गया भैया, X × 1 + Y × 0, आंसर X। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, X × 0 + Y × 1 Y, ओके। फिर आ गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, Z × 1 + W × 0, और आखिरी में सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, Z × 0 + W × 1। ये क्या हो गया भैया, देखो ध्यान से, ये तो जो हमने मैट्रिक्स उठाया था XYZW, आंसर तो वही आया, तो वही तो आना ही है, इसीलिए तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलने के पीछे लॉजिक ये है कि ये किसी भी मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होगा तो उस मैट्रिक्स की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। एनी मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई बाई सम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई आई, और जो भी उसका ऑर्डर है वो यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है, विल सिंपली गिव ए। कोई भी मैट्रिक्स है एक्स, उसमें हमने आई का मल्टीप्लाई किया, आंसर विल बी एक्स, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ याद आ गई कल के लेक्चर से, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है भैया देखते हैं। अभी कोई नंबर है मेरे पास एक्स, इसमें जीरो ऐड किया तो आंसर क्या आएगा, एक्स, इसलिए हम लोग बोलते हैं जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी इसलिए है क्योंकि किसी भी नंबर में ऐड होके उसकी आइडेंटिटी को नहीं चेंज करेगा। तो सेम गोज विथ मल्टीप्लीकेशन, सॉरी सेम गोज फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज एनी मैट्रिक्स ए व्हेन एडेड टू जीरो मैट्रिक्स विल सिंपली रिजल्ट इनटू
that matrix itself. It means there exists additive identity for addition of matrices, and that is what? Zero matrix. दूसरा, अगर हम बोलें कोई नंबर है एक्स, इसमें कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो आ जाए, तो आंसर इज सिंपली माइनस एक्स. एग्री? तो ये माइनस एक्स कहलाता है एडिटिव इनवर्स. तो क्या ये एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस में भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल. अगर कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें हमने माइनस ए ऐड किया, तो आंसर क्या हो गया? जीरो. क्या हम लोग ए में माइनस ए ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ए का जो भी ऑर्डर होगा माइनस ए का वही ऑर्डर होगा. माइनस ए का मतलब हमने ए में क्या किया, माइनस वन का मल्टीप्लाई किया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. तो ऑर्डर सेम है तो ऐड तो हो ही जाएगा, और जब करस्पॉन्डिंगली ऐड करेंगे तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो. इट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑल्सो एग्जिस्ट, एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स. ओके, गुड. तो हमने देखा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन.